अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। आप सब कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा नाम है नूर फातिमा, अगर आप मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं, और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हुडेड आईज़ के ऊपर आईलाइनर अप्लाई करना। हुडेड आईज़ के ऊपर आईलाइनर अप्लाई करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, और मोस्ट ऑफ द गर्ल्स की जो आईज़ होती हैं वो हुडेड होती हैं, और हुडेड आईज़ पर आईलाइनर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो आज मैं आपके साथ डिटेल के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से आपने हुडेड आईज़ के ऊपर आईलाइनर अप्लाई करना है जो बिल्कुल प्रोमिनेंट हो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आईब्रो से शुरू करूंगी। मैंने यहाँ पे आईब्रो पेंसिल ली है रिवाज की। सबसे पहले हमें आईब्रोज पे काम करना है, हमें हमारी आंख में ज़्यादा स्पेस चाहिए। तो हमारी जो सॉकेट एरिया होता है हमारे लिड के साथ अटैच होता है, और इस तरह हमारी जो आईब्रोज है ना वो बहुत ज़्यादा बुशी लगती हैं। तो हमने कभी भी ज़्यादा डार्क आईब्रोज फिल नहीं करनी, इसलिए आपने जब भी आईब्रोज फिल करनी है अगर आपकी हुडेड आईज हैं तो आपने पेंसिल का यूज़ करना है, और बहुत ही लाइट आईब्रोज फिल करनी है, ज़्यादा शार्प आईब्रोज फिल नहीं करने के। सारा जो अटेंशन है वो सारी आपके आईब्रोज पे जाए, या आपकी आईब्रोज थिक लगें या आपकी आईब्रोज जो है वो मोटी लगे। इसके बाद मैं यहाँ पे कंसीलर ले रही हूँ मिस रोज का। ये फुल कवरेज कंसीलर है, और इस तरह से हमने हमारी आईब्रोज को नीट एंड क्लीन कर लेना है। इसकी शेप को बिल्कुल नीट कर लेना है, जहाँ जहाँ से अगर आपकी शेप ख़राब है या हेयर्स आए हुए हैं तो हमने बिल्कुल एग्जैक्ट शेप देनी है, और इससे फुल कवरेज भी मिल जाती है और जो आईब्रोज है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाती है बिल्कुल। मैं यहाँ पे अपनी लिड को भी अच्छे से कंसील कर रही हूँ। फिर इसके बाद मैंने ब्यूटी ब्लेंडर के साथ अच्छे से प्रोडक्ट को ब्लेंड करके और इसके ऊपर पाउडर अप्लाई किया है ताकि क्रीजिंग ना हो, क्योंकि हुडेड आईज़ में बहुत ज़्यादा डेप्थ होती है और क्रीजिंग बहुत ज़्यादा होती है। अब हमने सामने मिरर में देखना है। अगर आप सामने जब देखते हैं और आपकी जो लिड है वो आपके सॉकेट एरिया बिल्कुल ऊपर लग जाती है, बिल्कुल आपकी जो है वो लिड नज़र नहीं आती, इट मीन्स आपकी जो आईज़ हैं वो हुडेड आईज़ हैं। और जब हम हुडेड आईज़ के ऊपर आईलाइनर अप्लाई करते हैं तो हमारा आईलाइनर या तो ऊपर स्टैम्प कर जाता है, या फिर हमारा आईलाइनर बिल्कुल ख़राब हो जाता है, नज़र नहीं आता, स्मज हो जाता है। तो इसके लिए आपने क्या करना है वो मैं नेक्स्ट आपको बताऊँगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक ट्रांजिशन शेड लिया है, लाइटर शेड। जब भी आप हुडेड आईज़ के ऊपर काम करते हैं तो आपने लाइट शेड्स अप्लाई करने हैं, या फिर आपने बिल्कुल स्मोकी आई मेकअप करना होता है। मैंने यहाँ पे लाइट सा मेकअप किया है जो कि खूबसूरत भी लगेगा, इसके ऊपर आईलाइनर भी अच्छा लगेगा। तो मैंने एक ट्रांजिशन शेड मेरे पूरे सॉकेट एरिया में अप्लाई किया है, और ये हमारा सॉकेट एरिया होता है, आप इसे टच करके फील कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा हुडेड आईज़ है और आपको पता नहीं चल रहा कि आपका सॉकेट एरिया कहाँ है। इसके बाद मैंने यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा ये शैम्पियन कलर है, फिंगर की हेल्प के साथ मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ, पूरी लिड पे अप्लाई कर रही हूँ। अगर आपकी हुडेड आईज़ हैं तो लाइट शेड्स जो होते हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, वो ज़्यादा नज़र आते हैं। तो अच्छे से हमने यहाँ पर अप्लाई कर लेना है। अब जिनकी हुडेड आईज़ होती है उनका जो स्किन होती है वो यहाँ से लटकी होती है, यहाँ से लाइन्स पड़ी होती हैं, यहाँ से पता चल जाता है कि ये वाली हुडेड आईज है। आईलाइनर के लिए मैं यहाँ पे म्यूसिन का ये पेन लाइनर है जो कि लिक्विड आईलाइनर है, काफी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, जेट ब्लैक है, इजी टू अप्लाई है। अगर आप बिगनर भी हैं तो आप ये वाला पेंसिल आईलाइनर यूज कर सकते हैं, इसे पेन आईलाइनर कहते हैं। और इस तरह से आपने सेंटर से बहुत बारीक आईलाइनर अप्लाई करना है, आपने इतना बारीक आईलाइनर अप्लाई करना है कि बस बिल्कुल एक लैश लाइन के साथ साथ हमने बारीक सी लाइन क्रिएट करनी है। मोटा आईलाइनर आपने हुडेड आईज के ऊपर कभी भी नहीं लगाना, वरना वो ऊपर लिड पर स्टैम्प हो जाता है। विंग जो हमने निकालना है वो थोड़ा सा आंख से बाहर करके कुछ इस तरह से निकालना है, और इसको फिर हमने बिल्कुल लैश लाइन के साथ ही अटैच कर देना है। कभी भी हुडेड आईज के ऊपर मोटा विंग लाइनर अप्लाई नहीं करना, एक तो शेप खराब हो जाएगी, दूसरा नजर नहीं आएगा और अच्छा भी नहीं लगता। आपने बहुत ही बारीक सा विंग क्रिएट करना है अपनी आंख से बाहर निकालते हुए, इस तरह से हमने लैश लाइन के साथ साथ जोड़ देना है, और हमारा यहाँ पे एक बहुत ही बारीक सा खूबसूरत सा विंग लाइनर क्रिएट हो गया, जो आप किसी भी हुडेड आईज़ के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और आपने जो आईलाइनर लेना है वो पेन आईलाइनर ही होगा या फिर वो लिक्विड आईलाइनर होगा, आपने बिल्कुल भी केक लाइनर अप्लाई नहीं करना, क्योंकि वो थोड़ा सा स्मज हो जाता है हुडेड आईज़ के ऊपर, वो लाजमी स्मज हो जाएगा। इसके बाद मैंने अपने ब्रो बोन को हाईलाइट किया है, और आईलैशेस अब
यहाँ पे मैं अप्लाई नहीं कर रही, मैंने यहाँ पे आईलैश कलर के साथ मेरी आईलैश को कर्ल कर रही हूँ। और इसके बाद हमने मस्कारा कर देना है हुडेड आईज के ऊपर, या तो आपने बहुत ज़्यादा लाइट वेट, बहुत ही लाइट वेट आईलैशेस अप्लाई करनी है, या फिर आप इस तरह से आईलैश कलर के साथ अपनी आईलैश को अच्छे से कर्ल करके डबल कोट मस्कारा कर सकते हैं, जिससे आपकी जो आईलैशेस वो विस्पी भी लगेंगी और वॉल्यूम भी आएगा। नहीं तो आप बहुत लाइट वेट आईलैशेस जो बिल्कुल लॉन्ग ना हो और विस्पी हो, आपने वो वाली अप्लाई करनी है, जिससे आपकी जो आँख है वो दबे ना बल्कि प्रोमिनेंट हो। तो इस तरह से आपने आईलाइनर अप्लाई करना है हुडेड आईज के ऊपर। आई होप मैंने आपको कंप्लीट डिटेल के साथ ये वाली वीडियो बताई होगी, ये वाला आईलाइनर अप्लाई करना बताया होगा हुडेड आईज के ऊपर। तो अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, टिल देन टेक केयर जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।